जब मणिपुर में स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने देंगे ये निर्णय किए जाते थे तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। आदरणीय लोकतंत्र में जिनका भरोसा नहीं होता है वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता है। हमने कहा था अकेले मणिपुर के लिए आओ चर्चा करो, गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिखकर के कहा था, उनके विभाग से जुड़ा विषय था लेकिन साहस नहीं था, इरादा नहीं था और पेट में पाप था, दर्द पेट में हो रहा था और फोड़ रहे थे सर, इसका ये परिणाम था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मणिपुर की स्थिति पर देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने कल 2 घंटे तक विस्तार से और बड़े धैर्य से रत्ती भर भी राजनीति के बिना सारे विषय को विस्तार से समझाया, सरकार की और देश की चिंता को प्रकट किया। कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है, मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया, अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी है, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई, अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए, महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा, मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं बहनों बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है, हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे, वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोर कसर नहीं रहेगी। आज मणिपुर की समस्याओं को ऐसे प्रस्तुत किए जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहां ये परिस्थिति पैदा हुई है। कल अमित भाई ने विस्तार से बताया है समस्या क्या है, कैसे हुआ है, लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार है।
आदरणीय अध्यक्ष जी, भारतीय संस्कारों से ओत प्रोत मणिपुर भाव भक्ति की समृद्ध विरासत वाला मणिपुर, स्वतंत्रता संग्राम और आजाद हिंद फौज अनगिनत बलिदान देने वाला मणिपुर, कांग्रेस के शासन में ऐसा महान हमारा भूभाग अलगाव की आग में बलि चढ़ गया था। आखिर क्यों? आदरणीय अध्यक्ष जी, आप सबको भी मैं याद दिलाना चाहता हूं। साथियों, यहां मेरे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं उनको हर चीज का पता है। जब मणिपुर में वो एक समय था, हर व्यवस्था उग्रवादी संगठनों की मर्जी से चलती थी, वो कहे वो होता था। और उस समय सरकार किस थी मणिपुर में? किसकी सरकार थी? जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाने दी जाती थी, तब सरकार किसकी थी? जब मोइरांग में आजाद हिंद फौज के संग्रहालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मणिपुर में स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने देंगे ये निर्णय किए जाते थे, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब अभिमान एक अभियान चला था, अभियान चला करके लाइब्रेरी में रखी गई किताबों को जलाने का, ये देश का अमूल्य ज्ञान की विरासत को जलाते समय सरकार किसकी थी? जब मणिपुर में मंदिर की घंटी शाम को 4 बजे बंद हो जाती थी, ताले लग जाते थे, पूजा अर्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, सेना का पहरा लगाना पड़ता था, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब इम्फाल के इस्कॉन मंदिर पर बम फेंककर श्रद्धालुओं की जान ले ली गई थी, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब अफसर, हाल देखिए, आईएएस आईपीएस अफसर, उनको अगर वहां पर काम करना है तो उनके तनख्वाह का एक हिस्सा उनको इन उग्रवादी लोगों को देना पड़ता था, तब जाकर के वो रह पाते थे, तब सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी पीड़ा सिलेक्टिव है, इनकी संवेदनाएं सिलेक्टिव है, इनका सब बातचीत राजनीति से शुरू होती है और राजनीति से आगे बढ़ती है। वे राजनीति के दायरे से बाहर से न मानवता के लिए सोच सकते हैं, न देश के लिए सोच सकते हैं, न ही देश की इन कठिनाइयों के लिए सोच सकते हैं। उनको सिर्फ राजनीति के सिवा कुछ सोचता नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मणिपुर में जो सरकार है वो पिछले 6 साल से इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए लगातार कोशिश, समर्पित भाव से कोशिश कर रही है। बंद और ब्लॉकेड का जमाना कोई भूल नहीं सकता है। मणिपुर में आए दिन बंद और ब्लॉकेड होता था, वो आज बीते दिन की बात हो चुकी है। शांति स्थापना के लिए हर एक को साथ लेकर चलने के लिए एक विश्वास जगाने का प्रयास निरंतर हो रहा है, आगे भी होगा। और जितना ज्यादा हम राजनीति को दूर रखेंगे उतनी शांति निकल